ताकि देख रहे, तो चलिए आप फिट करते हैं। न्यू ट्यूब जो रहेगा उसे आपको चेक करके साइकिल में फिट करना है, ठीक है। इससे आपका ट्यूब नहीं कटेगा, ये आपका एक साइड में टायर फिट हो गया है। न्यू ट्यूब रहेगा वो ट्यूब आपको ले लेना है, पुराना ट्यूब इस तरह से आपको ले लेना है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, कभी भी टाइट ट्यूब अपना साइकिल में फिट कर रहे हैं, दोनों ही व्हील एकदम अच्छे से कम्प्लीट हो गए नया टाइट ट्यूब लगाने के बाद। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजू में। सो दोस्तों, जैसा कि ये साइकिल आप देख रहे हैं, ये देसी 22 इंच का साइकिल है जो कि बहुत दिन से रखा हुआ है, पुराना साइकिल है। तो इसमें जैसा कि देख रहे हैं, दोनों ही व्हील में जो है टायर और ट्यूब नहीं है, तो इसमें हम न्यू टायर ट्यूब लगाने वाले हैं। तो किस तरह से फिट करेंगे, कैसे करेंगे, सारा चीज़ आज की इस वीडियो में आप लोग को पता चलेगा। अगर आपके पास इस तरह का देसी 22 इंच या फिर 20 इंच का साइकिल हो या फिर MTB रेंजर साइकिल हो, अगर उस सबका टायर ख़राब हो जाता है, फिर कोई भी छोटा मोटा अगर आप रिपेयर करना चाहते हैं, तो ईजिली आप अपने सही कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोग को रिपेयर करके दिखाएंगे और न्यू टाइट ट्यूब फिट करके दिखाएंगे, और साइकिल का कंडीशन आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत ही पुराना साइकिल है। तो चलिए आप लोग किन से ज्यादा लेते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, हम एक साइकिल मैकेनिक है और हमारे चैनल पे साइकिल रिलेटेड नॉलेजफुल वीडियो मिलता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, पूरा वीडियो देखने को। तो दोस्तों जैसा कि देखें, ये देखिए हम ये साइड के जैसे कि खोल रहे हैं, ये देखिए, तो ये आपका एक्सल के साथ में नट खुल जा रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है पुराना साइकिल, ठीक है, बहुत दिन से रखा हुआ होने की वजह से नट जल्दी नहीं खुलता है। तो आपको घासलेट ऑयल, केरोसिन ऑयल या फिर तारपीन ऑयल तेल दे देना है, थोड़ा देर फूलने दे देना है, उसके बाद इस तरह से आपको ठोकना है, ठीक है, दोनों तरफ ठोक लेना है। और एक साइड का नट अगर आपका खुल जाएगा, तो फिर इसे आपको क्या करना, पूरा खोलने के बाद इस तरह से आपको फुल टाइट दे देना, ठीक है। फुल टाइट देने के बाद फिर आपको अपोजिट साइड वाला नट को खोलना है इस तरह से, ठीक है, ये नट आपका इजीली खुल जाएगा। उसके बावजूद भी अगर नहीं खुलता है, तो आपको इस साइड वाला नट को एकदम फुल टाइट देना है। तो चलिए फटाफट पहले फुल टाइट दे लेते हैं। तो इस तरह से आपको जो पहले नट को फुल टाइट देना है और फिर आपको अपोजिट साइड वाला नट को खोलना है। तो ये देखिए, इजीली नट आपका खुल गया। तो ये एक प्रॉब्लम होता है, तो ये प्रॉब्लम को इसी तरह से कंप्लीट करना है, आसानी से आपका चक्का का नट खुल जाएगा। तो दोस्तों, स्पैनर का मदद से दोनों ही व्हील को खोल लेना है, दोनों ही चक्का को, जैसा कि हम आप लोगों को खोलते हुए दिखा दिए। और उसके बाद इसमें जो आपका टायर ट्यूब लगा हुआ रहेगा, अगर पूरा ख़राब हो जाए, तो टायर ट्यूब दोनों खोल लेना। टायर ट्यूब खोलने के बाद इसका अंदर में आपका रिम फीता रहता है, तो ये रिम फीता को भी आपको निकाल देना है खोल करके, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका न्यू रिम फीता लगेगा। न्यू रिम फीता कैसे बनेगा वो भी आप लोग को बताते हैं। सो दोस्तों, टायर ट्यूब लगाने से पहले जैसा कि देख रहे हैं, इसका स्पोक देखिए कितना ज़्यादा लूज़ है, ठीक है। तो ये स्पोक अगर टाइट होकर के टाल बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो पूरा स्पोक हमें चेंज करना पड़ेगा। इधर में हम स्पोक भी न्यू ले करके आए हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं ये स्पोक खुलेगा या फिर टाइट होगा या फिर न्यू स्पोक हमें लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये देखिए, स्पोक तो लूज हो जा रहा है, नहीं टूट जा रहा है, एक हो गया है, ये भी टूट जा रहा है, ये भी आपका टूट जाएगा, हाँ ये भी टूट जा रहा है। तो हमें टोटल स्पोक न्यू इसमें लगाना पड़ेगा, फिर हम टाइट इसमें फिट कर सकते हैं, क्योंकि चक्का भी टाल है इसका, ठीक है, रिम अलाइनमेंट भी बनाना पड़ेगा और पीछे चक्का का भी आपका जो है टाल है, तो ये आपका टाल बन जाएगा। इसका स्पोक टोटल टाइट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक दो स्पोक लगेगा न्यू, उसके बाद ये आपका टाल बन जाएगा। पुराना ट्यूब इस तरह से आपको ले लेना है और बीच से कटिंग कर लेना है, इस तरह का हो जाएगा। उसके बाद आपको इतना पतला करके कटिंग करना है फीता के लिए, ठीक है, रिम का फीता के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए इतना पतला आपको कटिंग करना है, यानी हाफ इंची साइज के अनुसार आपको कटिंग कर लेना। चलिए फटाफट कटिंग कर।
सो दोस्तों ये देखिए दो फीता हमारा कटिंग हो गया। अब चलिए रिम में बिठाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से नापी ले लेना है कि एक्यूरेट रिम फीता है या नहीं है। तो इतना छोटा होना चाहिए, इससे इतना भी छोटा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से जो है रिम फीता को कटिंग करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए आपका एक होल हो गया। और दूसरा साइड में क्या करना है, इस तरह से फोल्ड करने के बाद हल्का हल्का इस तरह से कटिंग करना है, ठीक है। ये देखिए आपका जगह बन गया। उसके बाद आपको रिम फीता को इस तरह से पैर में फंसाना है और बराबर आपको देखना है, ठीक है। ये देखिए बराबर देखते हुए इस तरह से आपको यहाँ पर ही होल में जो है फिट करना है इस तरह से। ये देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया, जैसा कि देख रहे हैं। ये अब इसमें आपको रिम में फिट करना है। और जैसा कि रिम देख रहे हैं, इसमें आपका न्यू स्पोक एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गया। तो रिम टाल व्हील अलाइनमेंट न्यू स्पोक के साथ में किस तरह से बनाया जाता है, इस पर हम ऑलरेडी डेडिकेट वीडियो बना चुके हैं। तो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप वीडियो मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप वो वीडियो को देख करके आसानी से जान सकते हैं कि व्हील अलाइनमेंट रिम टाल किस तरह से बनाया जाता है। और इस तरह से रिम फीता आपका फिट हो जाएगा, जैसा कि देख रहे हैं। ये देखिए एकदम अच्छे से रिम फीता आपका फिट हो गया। आप ट्यूब में जो है स्पोक लगेगा नहीं और पंक्चर वगैरह नहीं होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये काका भी जो है व्हील अलाइनमेंट रिम टाल हम बना दिए हैं। और इसमें आपका दो स्पोक टूटा हुआ था, एक आपका न्यू स्पोक इधर लगा, एक इधर लगा, तो अच्छे से बन चुका है। अब चलिए इसमें भी फीता लगाते हैं। तो इसका होल यहाँ है और इस तरह से सेंटर में आपको होल का मिलाना है। ये देखिए इस तरह सेंटर में मिलाना है और इस तरह से आपको फिट करना है। ये देखिए उसके पैर में इस तरह से फंसाने के बाद इस तरह से आपको फीता को कंप्लीट करना है। ये देखिए अच्छे से फीता आपका रिम में लग चुका है। सो दोस्तों न्यू ट्यूब जो रहेगा उसे आपको चेक करके साइकिल में फिट करना है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पंक्चर निकल जाता है ट्यूब, तो इस तरह से आपको जो है चेक कर लेना पानी में। पहले हवा भर लेना, हवा भरने के बाद इस तरह से पानी में चेक कर लेना कि आपका रालसन कंपनी का ट्यूब है, जो कि साइकिल का टायर हो ट्यूब है रालसन कंपनी का सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। सो दोस्तों इसमें भी आपका पंक्चर नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास है। न्यू ट्यूब है तो पंक्चर नहीं होता, बाई चांस हो जाता है। तो चलिए आपका कंप्लीट हो गया। टायर आपका सेकेंड हैंड टायर है, जो कि कुछ दिन चला हुआ है फिर रखा गया था, ठीक है। तो वही टायर है, तो हम जुगाड़ में लिए हैं ये टायर, साइकिल सबसे लाए, तो न्यू टायर नहीं है। तो जिस तरह से हम आपको ये सेकेंड हैंड टायर फिट करके दिखाएंगे, उसी तरह से आपका न्यू टायर भी फिट होगा। तो जैसा कि देख रहे हैं, तो चलिए आप फिट करते हैं। तो एक टायर का देखिए गोटी थोड़ा सा प्लेन हुआ है ज़्यादा, एक टायर का कम हुआ है। तो ये टायर जो हम पीछे लगाएंगे ये थोड़ा बढ़िया है, और ये टायर थोड़ा सा हल्का सा नॉर्मल में है, तो ये हम आगे लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आसानी से चलेगा। सो दोस्तों आपको क्या करना है, टायर को इस तरह से लेना है, ठीक है, और इस तरह से आपको फिट करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए इस तरह से फिट करना है, और सामने में यहाँ पर आपको टेलीवर लगेगा, तो टेलीवर से इस तरह से आपको फिट कर लेना है। ये देखिए ये आपका एक साइड में टायर फिट हो गया है। उसके बाद आपका जो न्यू ट्यूब रहेगा वो ट्यूब आपको ले लेना है, उसमें आपको हवा निकाल देना है। हवा निकालने के बाद इस तरह से पहले आपको वॉलपिन के पास फिट करना है। ये देखिए एकदम ईजिली फिट होगा, आराम से फिट करना है, हड़बड़ाना नहीं है। ये देखिए उसके बाद आपको जाम नट लगा देना है इस तरह से, और फिर ट्यूब को आपको इस तरह से बिठाना है। ये देखिए एक बार आपका इस साइड से और एक बार आपका इस साइड से इस तरह से ट्यूब को बिठाना है। इससे क्या होगा कि ट्यूब आपका एग्जैक्टली बैठेगा, और जो वॉलपिन टेढ़ा हो जाता है वो टेढ़ा नहीं होगा, सीधा ही रहेगा वॉलपिन आपका। ये देखिए ट्यूब हमारा अच्छे से फिट हो गया है, जैसा कि देख रहे हैं। ये देखिए अब टायर को इस तरह से आपको फिट करना है। ये देखिए और यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं वॉलपिन एकदम सीधा है आपका, टेढ़ा नहीं हुआ है। तो इस तरह से ट्यूब को फिट किया जाता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको माइनर टेलीवर को जो है यहाँ पर लगाना है। एक चीज़ देखिए, ठीक है, इतना पर आपको टेलीवर को लगाना है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं इतना पर कोर पे लगाने के बाद इस तरह से आपको फिट करना है, ठीक है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इससे आपका ट्यूब नहीं कटेगा। इस तरह से टायर को फिट करना है। ये देखिए माइनर लगाएं, फिट कर रहे हैं। ये देखिए इससे आपका ट्यूब कटने का जो डर रहेगा वो नहीं होगा, नहीं तो कई बार क्या होता है कि टायर चढ़ाते समय ट्यूब कट जाता है, पंक्चर हो जाता। टायर को आपको बिठा लेना है और फिर वॉलपिन लगा देना है। ये आपका चक्का में जो है टाइट टू कंप्लीट हो गया, जैसा कि देख रहे हैं ये आपका कंप्लीट हो गया, ये पीछे चक्का हो गया कंप्लीट। ये रहा फिर व्हील, तो थोड़ा सा रगड़ दीजिए इस तरह से। ये देखिए पीछे साइड में हो गया कंप्लीट। अब इस तरह से इसको फिट कर देंगे। ये देखिए हाथ से इस तरह से आपको टाइट कर देना है, जितना हुआ हुआ, उसके बाद साइकिल चलेगा, पैडलिंग होता है, ये आपका फुल टाइट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें हवा भरेंगे।
अब क्या करेंगे, आगे चक्का में बिठाते हैं तो सेम प्रोसेस रहेगा, जिस तरह से हम आपको पीछे चक्का में बताएं इस तरह से आगे चक्का में भी रहेगा। तो चलिए टैग ट्यूब इसमें भी कंप्लीट करते हैं, फिर साइकिल में फिट करके आप लोग को दिखाते हैं। फाइनली दोनों चक्का कंप्लीट हो गया है एकदम अच्छे से, जैसा कि देखे टाइट ट्यूब आप लोगों को बिठाते हुए हम अच्छे से दिखा दिए बता दिए, और साइकिल में जो भी छोटा मोटा काम था वो भी कंप्लीट हो गया, नट बोल्ट वगैरह लगाना, यानी यहाँ पर देखिए एक मेडगार्ड में नट लगा, एक आपका यहाँ पर नट लगा, एक बीच में आपका नट लगा, बाकी थोड़ा वो जो है सिर्फ पेपर से घिसाई वगैरह कर दिए, जो भी रस्ट वगैरह था वो क्लियर हो गया, और सामने का मेडगार्ड बहुत ही ज़्यादा हिल रहा था तो यहाँ पर एक वाशर लगा दिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये देखिए अच्छे से एकदम क्लियर हो गया है, यानी आप जो नॉइज़ वगैरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप चलिए चक्का किस तरह से फिट करना आप लोग को अच्छे से दिखाते हैं, प्लीज़ वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, अच्छे से देखें। सबसे पहले आपको क्या करना है, कभी भी टाइप ट्यूब अपना साइकिल में फिट कर रहे हैं तो क्या करना है, पहले आपको जो है फ्रंट व्हील फिट करना है। फ्रंट व्हील फिट करने का प्रोसेस क्या रहेगा, जिस तरह से आप खोलेंगे उसी तरह से फिट करना है, लेकिन एक काम आपको करना ज़रूरी है वरना आपका चक्का सही से फिट नहीं होगा। जैसा कि देख रहे हैं चक्का हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, और ये देखिए जिस तरह से खोलेंगे उस तरह से पहले आपको सारा चीज़ कंप्लीट कर लेना है। फॉरॉक गार्ड जो रड है ये आपका जो है चक्का का एक्सल में नहीं फिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे चक्का स्पेनर लेंगे और यहाँ से नट को इसका लूज करेंगे, ठीक है। देखिए ये आपका ज़्यादा हो गया, यानी ये आपका पत्ती बेंड था, इसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा था, तो चलिए फिर से टाइट करते हैं। तो ये देखिए मिला कर टाइट कर दी, ये एक साइड में हो गया कम्प्लीट, और आपको फिर क्या करना नट को लगाना है, हल्का नट को फंसाना है, उसके बाद आपको दूसरा साइड में सेम प्रोसेस करना है। तो ये फ्रोगाट का एक नट नहीं है तो बाद में इसका नट खोज के लगाएंगे, क्योंकि इसका नट अलग होता है, और इस तरह से आपको फिट करना है हमारा कंप्लीट। और ब्रेक जिस तरह से खोले थे ब्रेक को उसी तरह से आपको फिट करना है, ये देखिए। ब्रेक भी हमारा अच्छे से फिट हो गया, उसके बाद इस तरह का किट में आपको मोबिल ले लेना है, ठीक है, बाइक का इंजन का जला हुआ ऑयल होना चाहिए, ठीक है, और इस तरह से आपको थोड़ा बहुत दे देना है और ब्रेक को प्रेस करते हुए देखना, ये देखिए ये आपका फ्री हो जाएगा। तो ये सब में आपको जो है अच्छे से ऑयलिंग कर देना है, ये देखिए सब जगह में चक्का को मिडिल पे देखते हुए आपको फुल टाइट देना है दोनों ही साइड का नट को, ठीक है। ये देखिए ये हमारा एक साइड का हो गया, आप दूसरा साइड का टाइट करने से पहले मिडिल पे देखेंगे चक्का मिडिल पे है या नहीं है, तो मिडिल पे करने के बाद हम फुल टाइट देंगे, ये देखिए। सो दोस्तों मिडिल पे अच्छे से एकदम चक्का फिट हो गया, ब्रेक भी सही से काम करने लगा, मोबिल देने के बाद थोड़ा देर बाद आराम से जो है काम करने लगा, ये देखिए। तो इस तरह से आपको मिडिल पे देखते हुए चक्का को कंप्लीट कर लेना। आप चलिए बारी आ जाता है पीछे वाला चक्का किस तरह से फिट करें। तो पीछे वाला चक्का फिट करने से पहले ये जो चेन चाभी आप देख रहे हैं ये चेन चाभी लगाना जरूरी है, तो ये चेन चाभी इसका खराब हो गया है, तो हम न्यू चेन चाभी लगाएंगे, दो चेन चाभी लेकर के आएँ, ये देखिए। तो साइकिल शॉप में आपको आसानी से मिल जाएगा, ये चेन चाभी का प्राइस का अगर हम बात करेंगे तो आपको 20 रुपये में दो चेन चाभी आसानी से मिल जाएगा। एक चेन चाभी आपको इस तरह से लगाना है और दूसरा चेन चाभी आपको इस तरह से लगाना है। तो चक्का को आपको फिट करना है जैसा कि देख रहे हैं, पहले आपको जो है चेन को फिरविल में फंसा लेना है, चेन को फिरविल फंसाने के बाद इस तरह से आपको फिट करना है, ये देखिए, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा चेचिस में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम हम आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है ये थोड़ा आपका मुड़ा हुआ है चेचिस का, ये सामने वाला जो गैपिंग वाला सिस्टम है ये इस तरह से फिट होगा, ये आपको सीधा कर लेना है अगर टेढ़ा रहेगा, इधर वाला भी थोड़ा सा होगा, हाँ ये आपका कंप्लीट हो गया, और जिस तरह से आपको बताएं उस तरह से आपको फिट करना है। फिर इस तरह से फिट करना, फिर चेन को आपको इस तरह से लगाना है। सो दोस्तों ये देखिए चेन अच्छे से फिट हो गया है, चेन फिट करने के बाद जिस तरह से हम आप लोग को फ्रंट व्हील बताएं मिडिल पे देखते हो आपको फिट करना है उस तरह से कंप्लीट कर लेना। तो चलिए हम फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, चेन चाभी पहले मिला लेते हैं इस तरह से, ये देखिए। चेन चाभी मिलाने के बाद इस तरह से मेडगार्ड तार लगाना है, फिर आपको कैरियर का टाना रड लगाना है, उसके बाद आपको नट लगा देना है फिर व्हील साइड में, फिर स्टैंड अगर रहेगा तो ठीक है, अगर नहीं स्टैंड रहेगा तो आपको न्यू स्टैंड ले करके आना है, और न्यू स्टैंड आपको जो है साइकिल शॉप में आपको मिल जाएगा 60 से 70, 80, 90, 100 रुपये तक आ जाएगा बढ़िया स्टैंड। और इस तरह से आपको स्टैंड फिट करने के बाद मेडगार्ड तार लगाना है, फिर कैरियर वाला टाना रड लगा देना है, ये हो गया कंप्लीट। और मिडिल पे देखते हो आपको कंप्लीट कर लेना है चक्का को। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं चक्का कंप्लीट हो गया है, दोनों ही व्हील एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गया नया टैटू लगाने के बाद, और जैसा कि इसका आप चेन देख पा रहे हैं तो चेन में कितना ज़्यादा रस्ट लगा हुआ है, तो चेन में इस तरह से आपको जो है ऑयलिंग कर देना है, ये देखिए
चेन में ऑयलिंग कर दिए, फिर बॉटम ब्रैकेट में आपको इस तरह से ऑयलिंग कर देना है, और ये देखिए पैडल में भी ऑयलिंग कर देना है। प्लीज़ वीडियो को अभी छोड़ के ना जाएं, अभी और बाकी है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात है आप लोग के साथ करना है। तो ये देखिए, और ये आपका चक्का वगैरह, यानी जहाँ जहाँ आपको समझ में आता वहाँ वहाँ अच्छे से ऑयलिंग कर देना है। स्टैंड में भी कर देते हैं, पूरा रश लगा हुआ था। और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं ब्रेक फिट नहीं है, तो फ्रंट ब्रेक इसका है लेकिन रियर ब्रेक नहीं है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि राजू जी इस पर आप जो है ब्रेक भी फिट करके दिखाएं, तो हम बहुत जल्द वीडियो ले आएंगे, इसमें ब्रेक भी आप लोग को कंप्लीट करके दिखाएंगे, फुल एकदम ब्रेक किस तरह से कंप्लीट होगा। तो इसका रिम अलाइनमेंट वगैरह सब सारा चीज़ कंप्लीट हो गया है, और आप लोग को अच्छे से दिखा दिए, बता दिए, ये देखिए। और लास्ट में दोस्तों एक चीज़ और हम आप लोग से कहना चाहेंगे, तो जैसा कि देख रहे हैं हम फ्रंट व्हील फिट किए हैं, फ्रंट व्हील फिट करते समय क्या हुआ, ये जो चक्का हम फिट किए तो इसका हाफ एक्सल का जो थ्रेड होता है वो ख़राब हो गया, और यहाँ पर हमें बैरिंग टाइट करना पड़ा। अगर आप लोग के साथ में इस तरह का प्रॉब्लम होता है, बैरिंग टाइट करके आप कुछ दिन तक आराम से चला सकते, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर प्रॉब्लम आता है तो फिर आप ये एक्सल को चेंज करवा दें, हाफ एक्सल को, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हाफ एक्सल स्लिप का, ठीक है। अगर इस पर भी अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि राजू जी साइकिल में हाफ एक्सल चक्का में फिट करके दिखाएं, तो हम इस पर भी वीडियो ले आएंगे। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा, जितना ज़्यादा लाइक आएगा, उतना जल्दी हम वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए।